हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का दिन कितना अच्छा निकला हुआ है। इसी दिन के साथ शुरुआत करूँ केले की। इधर मैंने केला को काट के धुल के रख लिया था। कश्मीरी मिर्च डालूँगी, फिर डालूँगी सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला डालने के बाद आधा चम्मच डाल दूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपको गर्म मसाला डालना हो तो डालिएगा। फिर एक मुट्ठी में अपने मुट्ठी के हिसाब से बेसन डाल दूँगी क्योंकि उसको मैरिनेट करना है। दो चम्मच दही डाल दूँगी। बहुत ही चटपटा सब्ज़ी बनता है इसका। और अच्छे से इसको मिक्स करके कोटिंग दे दूंगी, जैसे आप पकौड़ी का जो सूखा बनाते हैं कोटिंग देने के लिए मसाला, उसी तरह मैं इसको कोटिंग दे दूंगी सारी चीज़ों का। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। अब इसको रख दूंगी साइड में। अब इधर मैं तैयारी करूंगी इसके तड़के का, इसके मसाले का, इसके सारे सामान का। मैंने डाले एक चम्मच धनिया पाउडर, जिसमें जीरा और काली मिर्च मिक्स है। सब्ज़ी मसाला मैंने एक चम्मच डाल दिया। फिर आधा चम्मच फिर मैं गरम मसाला रख दूँगी। हल्दी डाल दूँगी मैक्सिमम 1.5 चम्मच के आसपास, क्योंकि आजकल हल्दी जो पैकेट वाला आ रहा है उसका कलर नहीं है। मैं लहसुन और जीरा एक कल्ली में रख दिया कूटने के लिए। देखिए मैं इसका पेस्ट बना दी, तैयार हो गया। तैयार होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जो मसाला मैंने अभी लिया था उसमें मैं ये पानी कलने का पानी में डाल दूँगी उसमें, जिससे मसाला तब तक थोड़ी देर फूलता रहेगा। और इधर मैं अब जाती हूँ गैस पर, गैस का फ्लेम जलाऊँगी। जला के फिर कढ़ाई रख दूँगी जो है, उस जो मैरिनेट की थी वो मैरिनेट हो चुका है, आधे घंटा हो चुका। सरसों का तेल डाल दी, तब तक होता रहेगा गरम। तब तक मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मसाला जो मैंने तैयार किया था उसके ग्रेवी के लिए। मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया जो थोड़ा सा चटक जाएगा। मैं उसमें सरसों डाल दी वो भी गरम होने के लिए। फिर डालूँगी एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद मैं डाल दूँगी, इधर मेरा कढ़ाई हो गया है गरम। मैं अब डालूँगी जो मैरिनेट की हुई थी केला, उसको अच्छे से फैला दूँगी। जैसे आप सूख बिना डीप फ्राई नहीं करते हैं उस टाइप नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ ऐसे फैला दी देंगे। उसके बाद इसको फैला कर अब मैं धीरे धीरे इसको उलट पुलट कर रही थी। उलट पुलट करके इधर मैं इसको छोड़ दूंगी, तब तक ये फ्राई होता रहेगा। तब तक मैं प्याज काट के उसको तैयार कर लूँगी। उधर मैं एक जो कढ़ाई रखी थी उसका ऑयल और तेज़पत्ता गर्म हो चुका था। अब मैं इधर फिर इसको चला दूँगी। अब उधर फिर देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। जब इसको चलाएं एकदम पकौड़े की तरह लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। इधर मैंने मिर्चा डाल दिया, फिर प्याज डाल दी उसको फ्राई होने के लिए। मिर्चा जब डाल दी हूँ उसी वक्त मैं प्याज भी डाल दी थी, फिर नमक डाल दी उसको सौटे होने के लिए, जल्दी से सौटे हो जाए कम टाइम में। अब इसको चला दूँगी कि जल्दी ना। उधर मैं केले को चला के छोड़ दी। फिर मैं कढ़ाई में अब मसाले डालूँगी। मसाले डालकर अच्छे से प्याज जो सारे डाले हूँ तड़के वाले सब मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके खूब अच्छे से इसको फ्राई मतलब भून दूँगी मसाले को, कि थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ देगा तब तक फिर केला इधर मेरा फ्राई पूरी तरह जब हो जाएगा तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी देखिए मेरा केला जो था वो फ्राई हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कि ऐसे ही मन कर रहा है नमक को डाल के मैं इसको खा लूँ। देखिए मसाला जो है तेल छोड़ दिया है और खूब यम्मी दिख रहा है। देखिए अब मैं इसमें सारे जो केले फ्राई की हुई थी मैं अब भी डाल रही हूँ, डाल के इसको उलट पलट कर दूँगी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी उसके हिसाब से डालिएगा, नहीं चाहिए तो ऐसे सूखे भी आप इसको उलट पलट करके फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने एक बाउल लिया था छोटा सा, उसमें पानी डाल दिया क्योंकि जितने लोग हैं अगर थोड़ी देर पकने के लिए मिक्स हो जाएगा उसका जितना है मसाला, बहुत ही यम्मी लगता है कि इसको देखते ही मुंह में पानी टपकने लगता है। कभी भी आप लोग ट्राई करिएगा तो ज़रूर इस तरह कोशिश करिएगा, बहुत टेस्टी बनता। देखिए रेडी हो गया। इसको मैंने बीच में बहुत 2-3 बार उलट पलट किया था। देखिए सूखा है। अब मैंने इधर प्लेटिंग भी कर दिया, आइए आप लोग खा लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।